अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप दोस्तों को यूट्यूब चैनल टेक्निकल आकिब जावेद पे खुश आमदीद। अच्छा जी, आज आपको मैं जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ उसमें यह है कि आज आपको मैं बताऊंगा कि आप फाइवर पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फाइवर पे कैसे अपनी गिग्स लगा सकते हैं और फाइवर पे आप कैसे अपना पहला ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और फाइवर पे आपको कौन से स्किल्स जो आपको नहीं भी आते हो तो उस पर आप कामयाब हैं और फाइवर पे आप कैसे डेली का अपने घर बैठकर 1 से 2 हजार रुपये आप पाकिस्तानी यानी कि 10 से 20 डॉलर आप बआसानी कमा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं जी कि कैसे अपना अकाउंट जनरेट करना है और कैसे आपने गिग लगानी है और कैसे आपने अपना वर्क जो है ना फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है जी? आपको अपना ईमेल चाहिए होता है, जीमेल यानी के, तो उसके अलावा आपको कुछ चीज़ नहीं चाहिए होती। हाँ, जब आप फाइवर पे अपनी गिग्स लगा लेते हैं, पेमेंट्स लेने के लिए आपको जो है मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड प्रॉपर जो कि वर्ल्ड वाइड, क्योंकि पाकिस्तान में जो कार्ड्स बनते हैं वो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ चलते हैं। अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आपने किसी भी बैंक जाना है, एमसीबी हो या यूबीएल हो या कोई भी बैंक है, तो आपने उनके पास जाकर कहना है हमें वर्ल्ड वाइड सेलिंग और परचेजिंग के लिए या हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें फ्रीलांसिंग के लिए जो है ना अपना मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से आपको अकाउंट खोल के देंगे जो आपका फाइवर पे भी चल सकता है और उसके अलावा कोई भी आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, कोई चीज वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो आपको उस कार्ड से आसानी होगी। तो दूसरी रही बात जी कि आपको ये स्किल जो फाइवर पे मैं आपको बताने लगा हूँ उनमें कंफर्म है कि जी आप अपनी पेमेंट डेली 1000 2000 निकाल लेंगे, यहाँ के आपको हजारों को मिल जाएंगे कि दिन में। तो ये जी आपके स्किल्स पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फाइवर पे हैं, अगर आपके पास 1 2 ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद आपके रिव्यूज अच्छे आते हैं, अगर आप काम अच्छा करके देते हैं तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रीलांसिंग आपकी अच्छी होगी। और दूसरी रही बात जी कि अगर आपके पास प्रॉपर कोई स्किल है तो आप उसको अपने फाइवर पे कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो वो भी आज आपको मैं अपने लैपटॉप से दिखाता हूँ जी कि आप कैसे काम कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। स्क्रीन पे तो हमने फर्स्ट काम जो करना, फाइवर को ओपन कर लेना हमने। इसको ओपन करने के बाद जी हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने करना है जी यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना। ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ पे, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी जीमेल या ईमेल बना हुआ है गूगल पे तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। और जो आपका लिंक या जो आपका अकाउंट लगा होगा लैपटॉप में या कंप्यूटर ऐप में तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना अकाउंट। अब ये जी मेरा अकाउंट हो गया, ये नेम है मेरा जी फाइवर पे होगा और ये मेरा ईमेल होगा। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे हम। अच्छा जी, वो कह रहे जी अब आप यू नीड टू एक्टिव योर अकाउंट TZ20 यानी कि मेरा ईमेल। तो अब हम जाएंगे जीमेल में, न्यू टैब ओपन करेंगे, वहां पे लिखेंगे हम जी जीमेल। अब जो मेरा अकाउंट लगा हुआ है वहां पे वो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा और उसकी मेल में जाऊंगा और वहां पे एक आई होगी फाइवर की तरफ से जो हमें वेरीफाइड करेगी। नेटवर्क मेरा जरा थोड़ा स्लो है उसके लिए माजरत। अच्छा जी, रिसेंड ईमेल और जी हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, फर्स्ट हमने अपना अकाउंट सेटिंग ठीक करनी है। यहाँ पे जाएंगे हम, प्रोफाइल में जाएंगे जी हम। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हमने पहले गिग कोई लगानी है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ना अपना अकाउंट सेटअप करना होगा। सारे स्किल्स उसमें क्या आ जाता है उसमें जी, आपका नेम यहाँ पे आप अपने क्लिक करके कोई भी आप पिक्चर लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी, डाउनलोड्स में जाते हैं, शायद पिक पड़ी हो। अच्छा जी, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमने करना है क्या है जी, पिक लागे, डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है अपने यहाँ पे जी। अगर आपके पास कोई हुनर है, मीन्स के आप एक फोटो एडिटर हैं या आप एक वेबसाइट क्रिएटर हैं, तो मैं हूँ शॉपिफाई क्रिएटर या वर्डप्रेस जनरेटर, तो उसमें यह है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के जी, मैं आपको क्या अपने हॉबीज बताने हैं उसमें, उसमें आपने लिखने कोई लिंक ऐड करनी हो। अच्छा, यहाँ पे आ गए हम डिस्क्रिप्शन में, हम यहाँ पे अपनी जो है ना हमारा कोई हॉबी है हम वो यहाँ पे लिखेंगे, हमारा स्किल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे।
उसके बाद लैंग्वेज हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर आप एक मिसाल का यहाँ पे उर्दू आ जाती है, उर्दू लेवल आप कौन सा है वो आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद ऐड कर लेना। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने अकाउंट अपना साथ अटैच करना हो, इसमें कोई गूगल ऑलरेडी अटैच्ड है, फेसबुक करना हो तो ठीक है, ट्विटर करना हो तो ठीक है। और मेरा मशवरा यही होगा कि आप इसमें फेसबुक और ट्विटर और उसके बाद लिंक्डइन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, वो ऐड कर लें। उसके बाद स्किल पे क्लिक करना है। आपके पास स्किल है जी, एक मिसाल के तौर पे वेबसाइट जनरेटर, वेब डिवेलपर, वेब डिवेलपमेंट। अच्छा जी, ये मेरा स्किल है, इसमें ये आ जाता है बिगिनर या एक्सपर्ट है आप। तो बिगिनर्स यानी कि आप अभी सीख रहे हैं, कर रहे हैं ऐसा ऐसा, और एक्सपर्ट यानी कि आप फुल एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट ही जो बंदा है वो लगाए। एजुकेशन आपकी क्या है वो आप यहाँ पे लिखें, जो आपने क्वालिफिकेशन की है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जी आपने सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई भी यहाँ पे। अब यह कि जी हमारा अकाउंट की सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने गिग अगर कोई लगानी है, क्रिएट अ न्यू गिग, यहाँ पे जाना है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई स्किल नहीं है तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वर्ड मेकर स्क्रिप्ट, अच्छा जी कंटिन्यू पे क्लिक करना है हमने, फिर कंटिन्यू। अच्छा जी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जावेद, अच्छा ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है जी, यहाँ पे जाते हैं जी फाइवर पे, फाइवर पे हम चले गए। आपने करना जी रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, ये यहाँ पे क्लिक करना है हमने। अच्छा जी इसका देख लें आप, लेवल टू है, 927 रुपये ले रहे हो जी, ले रही हैं जो भी हैं एक ऑर्डर के, तो 703 ऑर्डर वो दे चुकी हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि उसने एक की गिग से इतने पैसे कमा लिए। अब हमने करना है क्या कि इसका अकाउंट ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन अगर आप खुद ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप जाते हैं डिस्क्रिप्शन, वो कह रहा है ओवर 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फोटो एडिटिंग, आई एम फ्रेंडली इजी गोइंग एंड पॉसिबल पैशनेट सॉरी अबाउट व्हाट आई डू। तो हमने इसको क्या करना है जी, हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, अपनी डिस्क्रिप्शन में गए, पेस्ट किया। इसमें यह कि आपने सेटिंग को चेंज करनी जी, आपका एक्सपीरियंस 5 साल का नहीं है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो वो आपने लिख लेना जी हमारा 3 साल का तजुर्बा इसमें। उसके बाद आप इसमें देखते हैं कोई और चीज़ करनी है एडिट, वो ठीक है। उसके बाद हमने लैंग्वेज जो है वो क्लिक कर लिए। अच्छा जी कंटिन्यू क्लिक करना है। उसके बाद जी डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइन में आ जाता है जी, उसमें यह आ जाता है जी कि हमने फोटो एडिटिंग भी करनी है, लोगो डिजाइन भी करना है, उसके बाद फोटोशॉप एडिटिंग भी हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्राफिक फ्लायर डिज़ाइन भी आ जाता है, उसमें लोगो डिज़ाइन भी आ जाता है, उसके बाद जी प्रोडक्ट डिज़ाइन भी आ जाता है, बैनर एड्स भी आ जाते हैं, इनको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ही हमने अपने स्किल्स, यहाँ पे आपने स्किल ऐड करना है जी, मैं फोटोग्राफी पे जाना है, आपने एक्सपर्ट क्लिक कर लेना। अब इसका स्किल ये देख लें जी, इसके स्किल नीचे स्किल्स, अब वो ये कह रहा है जी मैं फोटोशॉप एडिटिंग हूँ मास्टर हूँ, ये आपने कॉपी करना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे उसके कॉपी करने हैं या सारे उसकी जो सेम है वही लगाना है, आपने अपने पास जो आपका हुनर है वो यहाँ पे ऐड करना है। स्किल मीन्स कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा जी मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, तो आप कोई भी प्रोफाइल अपना जो कि जैसे कि आपका प्रोफाइल है जी आप लगाना चाह रहे हैं, स्किल्स आपका जो है वो सेम स्किल का कोई प्रोफाइल ओपन करें, तो वहाँ से आप जो है ना एजुकेशन या स्किल्स या कुछ भी आपने कॉपी करना है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट उसने सिर्फ गूगल फेसबुक दोनों क्यों है, और इसने जी 2019 में ज्वाइन किया था, लास्ट डिलीवरी इसकी 43 मिनट पहले इसने अपना जो है एक ऑर्डर भेजा है,
मेन्स ये कि काम काफी ज्यादा अच्छा है अगर बंदा करे तो। अब इसके साथ हमने ऐड कर लिए, उसके बाद एजुकेशन। अच्छा जी, पाकिस्तान, पाकिस्तान क्लिक किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे कोई भी लिख लेते हैं जी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लिख लेते हैं जी। अच्छा जी, टाइटल आपने इसमें क्या किया हुआ है, एफए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, या कुछ भी जो आप की है वो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। कौन से साल में आपने कंप्लीट की है, उसके बाद जी हमने क्लिक कर लेना है जी। सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड, यहाँ पे आपने कोई भी अवार्ड्स जो यहाँ पे ऐड कर लेना। अब यहाँ पे जाते हैं हम, उसका जी फोटो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग का हमारे पास अवार्ड है जी। कौन से ईयर में आपने लिया जी, हमने यहाँ पे लिखना है जी डाव फोटोशॉप का, हमने 2013 में हमने जो है अवार्ड हासिल किया। 13 नहीं, हम लिखते हैं जी हमने 17 में लिया है। ऐड कर लेते हैं। अगर उसके बाद आप कोई और लगाना चाहते हैं, मीन्स कि आप वेबसाइट आपके पास नहीं है तो आप रहने दें, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम। तो मैं ये श्योर ऐड 2 to 5, हाँ जी ये हमारा मिस हो गया। हमने लिखना जी हम 2018 से 2022 तक हम ये काम कर रहे हैं, स्टिल ऑन गोइंग, कंटिन्यू पे क्लिक करना है हमने। अच्छा जी, अकाउंट सिक्योरिटी वेरीफाइड हो चुका है, उसके बाद जी कंटिन्यू पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अपना मोबाइल नंबर। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे अब एक मैसेज आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिखना है एक्टिवेशन कोड, तो मेरा अकाउंट जो है ऑफिशियली जो है वेरीफाइड हो जाएगा। एट जीरो सिक्स टू, कंटिन्यू पे हम क्लिक करें जी, सबमिट कोड। अच्छा जी, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब ओके पे क्लिक करेंगे हम। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन होता है जी प्रोसेसिंग, तो हम यहाँ पे कोई भी आप क्लिक कर लेते हैं जी। व्हाट वाज योर चिल्ड्रन नेम। अच्छा जी, आकिब, आकिब ही ठीक है, मेरा कंप्लीट हो गया जी। फिनिश पे क्लिक करेंगे हम। वो कह रहा है योर सैलरी प्रोफाइल ऑल सेट, यानी कि आप कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप अपना जो कोई भी गिग्स लगा सकते हैं। सॉरी। अच्छा जी, अब हमने फर्स्ट गिग जो लगानी है वो मिसाल के तौर पे हम लगाना चाह रहे हैं जी रिमूव बैकग्राउंड। इसमें ये आ जाता है कि आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं है, आप जो है सिंपल 5 से 10 सेकेंड में अपने जो है पिक रिमूव करके बैकग्राउंड वो दे सकते हैं अगले को, मीन्स के 10-15 मिनट लगते हैं। अच्छा जी, आई विल से आगे वाला आपने जो कॉपी करना है उसको पेस्ट करना है जी यहाँ पे। आई विल डू, आई विल रिमूव बैकग्राउंड। अच्छा जी, कैटेगरी यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली वहां पे नीचे आ जाता है जी, फोटोशॉप एडिटिंग। अच्छा जी, वो कह रहा है जी एडिटिंग टाइप क्या है, बैकग्राउंड रिमूवल पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड रिमूवल हमारा तो वो यूज रहेगा। अच्छा जी, टैग्स, टैग्स ये होता है कि आपका जो अकाउंट है वो टैग्स की वजह से ऊपर जाएगा, मीन्स कि अगर कोई मैं लिखता हूँ फोटो एडिटिंग तो वो मेरा टैग लगा हुआ है तो मेरा अकाउंट जो है वो ओपन होगा। तो फिर इस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ उन्होंने जी। अच्छा, हमने 5 लिखने हैं तो हम लिखें जी फोर, एक ही हो गया जी रिमूव। अच्छा जी, उसके बाद और क्या लिखा हुआ जी, फोटोशॉप वर्ड। उसके बाद जी फोटो अडोब फोटोशॉप, ये ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। प्राइसिंग ये आ जाता है कि अब ये यहाँ पे आप देख लें जी, वो आपको कर रहा है जी 10 पिक्चर्स बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है जी 927 में, बेसिक उसका जो है
वो स्टैंडर्ड जो है 1853 में 20 इमेजेस को रिमूव कर रहा है, और प्रीमियम में 100 पिक्चर्स को वो रिमूव कर रहा है 9264 रुपये में। तो अब हमने क्या करना है जी, हमारी प्राइसिंग जो है, अगर आप एक रखना चाहते हैं बेसिक सिर्फ वो आप, लेकिन मल्टीपल बेस्ट रहता है, क्योंकि बंदा जो है ना क्या उसे कहते हैं जी, यहाँ पे लिखे जी हम बेसिक, बेसिक इसका जी वही सेम रहेगा, प्रीमियम। अच्छा जी डिटेल्स ऑफरिंग, ये कह रहा है जी हम बेसिक में 10 पिक्चर्स आपको देंगे, हमने इसमें 10 के बजाय हमने इसमें कर लेना जी 12 कर लेते हैं हम। अच्छा जी इसके बाद ये आ जाता है, उसके इसने लिखा हुआ यहाँ पे स्टैंडर्ड में 20, हम यहाँ पे 30 लिखेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे 100 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 120। इसमें ये आ जाता है कि आप आसानी से पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लिखें कंप्लीट सारा उसको, क्योंकि वो अच्छा डिलीवरी टाइम आपने लिखना है जी सेम वन डे, इसका वन डे, और जो प्रीमियम है उसका आपने 2 डे में करना है, और रिविजन जो आपने अनलिमिटेड करना है। ये हमने कितनी पिक्चर्स रखी हुई हैं, 12 इमेजेस, तो हम 12 पे जाएंगे। ये जितनी हमने लगाई हुई हम उतनी उतनी सेलेक्ट करेंगे। अनलिमिटेड, अच्छा जी सोर्स फाइल्स ये हम करेंगे जी स्टैंडर्ड और बेसिक में सिर्फ, हाई रेजोल्यूशन हम जो है स्टैंडर्ड में भी करेंगे और बेसिक में भी करेंगे और प्रीमियम में भी क्लिक करेंगे। कमर्शियल यूज जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड में। प्राइस ये है कि हमने यहाँ पे देख लिया आप 927 रुपये, मेरा इस वक्त जो चल रहा है वो USD डॉलर है, तो मैं इसको $5 लिखूंगा। इसका जो लिखूंगा वो जी कितने लिखे हुए वहाँ पे स्टैंडर्ड के, हाँ जी तकरीबन $10 ही बनते हैं, और ये जो है कितने लगे हुए जी 9000, यानी के $60 बनते हैं, हम 50 ही लिखते हैं, काफ़ी हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी ये होता है जी कि आप अपना जो है ये हमारा जो 2 डेज का, हम एक दिन में देंगे आपको $10 ज़्यादा में। रिविजन जो है वो हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए जी, हम सोर्स वाइज जो है वही लेंगे हम। अब जी सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाते जी गिग की हुई है ना डिस्क्रिप्शन, वो हमने कहा क्या करना जी, वही गिग हमने जो ओपन की हुई है पहले उसी की डिस्क्रिप्शन हमने जो है ना, ये कहाँ पे आ जाता है जी बैकग्राउंड रिमूवर, ये अबाउट दिस गिग, ये हमने क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसमें कुछ चेंजिंग्स आपने करनी है, जैसे यहाँ पे हमने 3 ईयर 3 साल का लिखा था तो हम 3 ही लिखेंगे। ऑक्सीजन फोटो एडिटिंग आई कैन डू बेसिक टू एडवांस फोटो एडिटिंग, अच्छा जी बैकग्राउंड में शोर आ रहा है उसके लिए माजरत। तो जी नेक्स्ट जो है हमने इसको कंटिन्यू क्लिक करना है, इसके बाद जी सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आ जाते जी क्वेश्चंस, फोटो एडिटिंग में हमें जी क्या रिक्वायर्ड है, हमें एक अदद पिक्चर या जितनी भी पिक्चर्स हैं वो रिक्वायर्ड है, तो उसमें हम जी पिक्चर सिर्फ लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास आता है वो रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं जी। प्रोजेक्ट ओके जी नेक्स्ट, उसके बाद ये कह रहा है जी कि आप अपना जो है ना
वीडियोस अगर आपके पास हैं तो वो लगा दें, और एक ही लगनी है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई आपने वर्क किया हुआ उसका पीडीएफ आपने बना के रखा हुआ है तो आप जो है कर सकते हैं। उसमें याद है आई डिक्लेयर दिस मटेरियल वेयर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ और बाय माई टीम। इसमें याद है कि ये आपने जो यहाँ पे पिक लगाई हुई है या जो आपने वर्क यहाँ पे लगाया हुआ है वो आपका अपना क्रिएटेड है, तो जी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये मेरा अपना ओरिजिनल ही है, इसमें ये किसी का मैं यूज नहीं किया हुआ। उसके बाद आ जाता है जी आपकी गिग जो है वो पब्लिश होने वाली है, लेकिन उसमें यह है आर यू यूएस पर्सन, कि क्या आप यूएस से में रह रहे हैं यूएस में, तो हमने यहाँ पे लिखना है जी नो, क्लिक करना है नो पे। उसके बाद हमने सेव पे जाना, नेक्स्ट यू आर डन। उसके बाद वो कह रहा है जी आप अपनी गिग जो है पब्लिश कर सकते हैं, ऑल क्लियर, तो डन क्लिक कर दें। उसके बाद ये हमारी गिग जो है लग चुकी है, अब ये हमारी गिग आ गई है। एक्टिव वन, अच्छा जी ये मेरी गिग चली है जी, कि रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, डिलीवरी टाइम टुडेज, अच्छा जी जिससे आप देख सकते हैं जी आपका क्या सीन चल रहा है, कैसे आपकी रिस्पॉन्सिव डेट कैसा है। और यहाँ पे अगर कोई आपको बंदा मैसेज करता है जी, पहले कुछ होते हैं वो ऑर्डर करने से पहले मैसेज करते हैं, आपसे बात करते हैं जी ये हमारा प्रोडक्ट है या ये हमारी पिक है इसको रिमूव करनी है, हमारे पास 50 पिक्चर है आपने 30 का लगाया है, आप 50 हमें रिमूव करके दे सकते हैं इतने में, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है डायरेक्टली तो वो यहाँ पे आएगा ऑर्डर में। उसके बाद ये जी हमने फायर पर क्लिक करना है दोबारा, गिग्स पे जाना है, बता दूं जी आपने कोई पिक अगर आपके पास ऑर्डर आता है जी, हमें यहाँ पे ऑर्डर्स में आता है जी हमें ये हमारे 50 पिक्चर हैं, इनको आप जो है रिमूव करके दें बैकग्राउंड, तो आपने क्या करना है सिंपल गूगल ओपन करना है, बैक बैकग्राउंड सिंपल भी लिखेंगे या बैकग्राउंड रिमूवर लिखेंगे, तो ये सामने फर्स्ट वेबसाइट आई www.remove.bg, तो इसको आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप कोई भी पिक जो उन्होंने भेजी होगी अपने कस्टमर आपके ने उसने सेंड करने की होगी तो उसमें आप जो है ये क्लिक कर लें। अब ये ओरिजिनल पिक है, अब आपके सामने कुछ सेकंड की बात और ये पिक रिमूव हो चुकी है, अब इसको हमने डाउनलोड कर लिए, तो ऐसे हमारी जो है ना कोई जितने भी आपके पास पिक्चर्स होंगे फिर आपने जो है ना दोबारा इसको रिलोड करना है और आपने अपलोड इमेज करके यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और इसके अलावा एक और भी ऑप्शन आता है कि जी आप यहाँ पे आपको ऑप्शन HD फुल HD का नहीं दे रहा, फुल रेजोल्यूशन आपका नहीं है, लेकिन एक इमेज भी इतनी है तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं, अगर फुल HD हो तो वो अडोब से एडिट कर सकते हैं आप, उसका जो मैं आपको बाद में मुकम्मल कोर्स आपको वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि फिल वक्त आपको सिंपल मैं शॉर्ट शॉर्ट समझा रहा हूँ, इसमें कुछ गलती हुई हो तो वो भी चल सकती है क्योंकि मैं जल्दी में आपको समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा नेक्स्ट ये आ जाते हैं कि आपके पास गिग को और कौन सी है जो हम लगा सकते हैं, मतलब कि आपको उसमें कोई स्किल रिक्वायर नहीं है, ठीक हो क्या उसमें ये आ जाता है जी, देखते हैं अभी और सामने आपको दिखाते हैं। स्विच टू बाइंग पे क्लिक करके यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइन लिख सकते हैं जी, जो कि इतना मुश्किल नहीं है स्टार्टर में, बल्कि ये फर्स्ट खुद ही ऑटोमेटिकली आ रहा है जी ग्राफिक डिजाइन। अब ये कह रहा है जी आपको मैं लोगो डिजाइन, यानी कि लोगो डिजाइन पर क्लिक करते हैं, अब जो लोग कहते हैं जी कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते या फायर पे काम बिल्कुल नहीं है या फायर बस फ्रीलांसिंग ऐसे नाम ये कुछ नहीं है बिला तुक्की हम ये काम कर रहे हैं, उसमें ये आ जाता है जी कि ये लोगोस, अब सिंपल ये जी इसका मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसकी मैंने गिग ओपन कर ली है, वो कह रहा है जी मैं आपको एक मॉडर्न लोगो जो है ना फैशन लोगो विद कॉपीराइट्स आपको दूंगी, वो जी रेगुलर पैकेज 30 यानी कि 5,559
दो स्टनिंग लोगो आपको प्रोवाइड करेगा, उसमें पीएनजी वेक्टर फाइल होगी 3 दिनों के अंदर अंदर। अगर आपकी स्टैंडर्ड देख लें तो वो है 9000, उसमें 3 प्रीमियम लोगोस। उसके बाद जी प्रीमियम पैकेज हुआ $80 का, वो बनते 14000 और कस्टम लोगोज होंगे पीएनजी और सोर्स यानी कि सब कुछ। उसमें ये इसमें देख लें जी 9 ऑर्डर उसके पास अभी पड़े हुए हैं, उसने अभी कंप्लीट करने हैं। तो उस टोटल ऑर्डर जो उसने इस सिर्फ इस गिग पे 808 ऑर्डर ले चुका है वो बंदा, $808 वो ले चुका है और 9 ऑर्डर उसके पेंडिंग है अभी, उसने डिलीवर नहीं किया आगे। मीन्स के अगर आप रेगुलर पैकेज पे जाएं 6000 रुपया एक, यानी कि 5000 ही एक पैकेज का ले लें एक ऑर्डर का, तो 808 ऑर्डर के कितने बनते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, ये हम लोगों कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो लंबी हो जानी है। सिंपल नावा लिखेंगे हम ये, उप्स canva.com। अच्छा इसमें ये ऐप है ना जो, ये प्ले स्टोर पे भी है, आप अपने मोबाइल से भी इस पे वर्क कर सकते हैं। इसमें आप अपना कोई भी आप वीडियो एड्स बनवाता है कोई बंदा, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपने इसके एडिटिंग के अलावा ग्राफिक डिज़ाइन के अलावा आपने कुछ नहीं लगाना अपनी गिग्स पे, तो आप क्या करते हैं जी, आप अपने जो है गिग्स पे जाते हैं, क्रिएट अ न्यू गिग में जाते हैं, आप नया गिग लगाते हैं जी। मैं आपको वीडियो एड जो है, अब ये तो आपने देख लिया, अब आपको मैं वीडियो एड का दिखा दूं कि वो क्या चल रहा है। वीडियो एड्स कोई भी आपने अगर काम स्टार्ट करना है तो वो पहले आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं, देख के फिर आप उसको स्टार्ट करें। प्राइसेस के हिसाब से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आप जल्दी उसमें ना करें कि आप ये देखें कि इसने 41,000 रुपया लगाया तो मैं भी उतना सेम लगाऊं, नहीं, क्योंकि वो प्रो लेवल में उसने सारा सीख के किया है और आपने अभी जस्ट स्टार्ट करना है वो भी ऐप्स के थ्रू। जब बंदा एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर उसको डायरेक्टली अडोब फोटोशॉप से एडिट करके, उसके बाद अडोब वीडियो एडिटर प्रो से एडिट करके तो बंदा बना के देता है। लेकिन ये कि ज़्यादातर जो आजकल यूज़ कर रहे हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं। अब मार्केटिंग पे हम जाते हैं, यहाँ पे अगर कोई अपना बिजनेस कार्ड, फ्लायर या ब्रांड कार्ड, उसके बाद लोगो, पोस्टर बनाना चाहता है तो यहाँ से बन जाता है। अच्छा ये टॉप सेलर है, ये 426 ऑर्डर आए हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। हम इसके पास जाते हैं, इसका देखते हैं जी क्या सीन है। वो कह रहा है जी आई विल मेक अट्रैक्टिव वीडियो कमर्शियल एड फॉर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि मैं आपको एक खूबसूरत अच्छा सा कोई आपको ऐड बना के देता हूँ, 15 से 30 सेकंड का ऐड होगा और उसमें 4K रियल एंड लाइव स्टॉक फुटेजेस फ्रॉम योर और लाइब्रेरी टू मेक स्टनिंग ऐड। मीन्स के वो कह रहा है जी हम 15 से 30 सेकंड का आपको ऐड बना के देंगे, 4K रियल HD में होगी, फुटेजेस हमारी खुद की होगी, तो वो आपको बना के देगा 27,000 रुपये में 30 सेकंड का ऐड। उसमें स्टैंडर्ड में आ जाता है जी 60 सेकंड का ऐड 46,000 रुपये का, 1.5 मिनट का ऐड 64,000 रुपये का। अब इसके पास कितने ऑर्डर हैं, 923 ऑर्डर वो दे चुका है और 19 ऑर्डर अभी पेंडिंग है। अब ये ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, हम सिंपल जाते हैं जी कौन सा, अब आपको मैं दिखाऊँ जी लोगो देख लिया, हम देखते हैं जी इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन, ये भी यहाँ पे हम अगर देखें तो हमको मिल जाता है जी। सोशल मीडिया पे हम जाएं तो इंस्टाग्राम पोस्ट ये हमें नज़र आ गई। अब ये जी यहाँ पे आप देख लें, अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये जी कि मुझसे नहीं होगा, मुश्किल काम है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाता, तो ये अलग बात है जी बंदा करना ना चाहिए। अब ये देखें जी 31 ऑर्डर उसके अभी पेंडिंग है, 31 ऑर्डर उसके पेंडिंग है, 507 उसने ऑर्डर जो 570 सॉरी उसने ऑर्डर क्लियर कर दिए हैं, और ये जी
वो कह रहे जी मैं आपको सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, एड्स बना के आपको दूंगा, टू सोशल मीडिया पोस्ट विद अनलिमिटेड रिविजन्स। यानी कि मैं आपको दो सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया, उसकी आपको मैं पोस्ट बना के दे सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2780 रुपये में, 3 दिनों में डिलीवरी टाइम है इसका। स्टैंडर्ड में जाएं तो हम जी 10 सोशल मीडिया पोस्ट आपको 10,000 रुपये में देंगे। प्रीमियम में जाएं 15 से 20 सोशल मीडिया पोस्ट्स। और आपने पोस्ट कैसे बनानी है, आप ये देखें, कुछ लोग होते हैं जी हमें पिक्चर सेंड करते हैं, जी हमें ये पिक है और इस पर हमें पोस्ट बना के दें। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर वो कहते हैं जी हमें ये, हमारा एक मिसाल के तौर पर हमारा स्टोर है फूड का, तो हमें जी फूड पे कोई जो है ना इंस्टाग्राम की जो है ना पोस्ट बना के दें। तो ये हमारे जी इंस्टाग्राम की पोस्ट है, इसमें से आप फूड सर्च करें, अब ये क्लिक कर लें, अब ये आ जाता है कि अगर आपको वो बंदा प्रोवाइड करता है जी हमारा ये, इसमें ये लिखना है, यहाँ ये हमारे पास बर्गर नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पिज्ज़ा है, तो आप ये इस पिक क्लिक करके अगर डिलीट करनी हो तो डेल का बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं, फोटोज में क्लिक करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, सॉरी फोटोज में क्लिक करके, बल्कि सॉरी अपलोड में क्लिक करके, अपलोड क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी और वहीं यहाँ पे आप पिक लगा लेंगे। अगर आपने इसके ऊपर लिखाई करनी है तो आप इसको क्लिक करके रिमूव करके, इसके बाद जी आप लिखें जी फूड, या इस पे कुछ भी आपने लिखना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बर्गर है तो इसको एडिट करके इसको सेव करेंगे हम डाउनलोड, अभी हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपल ये नहीं है कि आपने ऐसे उसको बना के भेज देनी है, उसको आपने अगर आपको कहता है जी हमारा ये सोशल मीडिया का पेज है, मींस कि हमारा पेज है जी फूड पे, या हमारा शूज़ पे कोई स्टोर है, या हमारा कोई पेज इस तरह का, तो आपको वो बंदा प्रोवाइड करेगा अपने स्टोर के पिक्चर्स, या अपने प्रोडक्ट के पिक्चर और साथ डिस्क्रिप्शन, या उसने क्या कुछ उसमें सेल लगाई हुई है, तो वो आपने सिंपल वहाँ पर ऐड करके लिख लेना है। और दूसरा ये कि अब ये अगर हमने गिग लगानी है ना, तो हम अपने गिग पे जाएंगे, दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ कि गिग जो है वो कैसे ऐड करेंगे। अच्छा जी यही है, हम गिग लगाते हैं जी आई विल डिज़ाइन सोशल मीडिया एंड फेसबुक एड्स। अब इसको जाते हैं हम, ये हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये कैटेगरी आ जाती है जी ग्राफिक डिज़ाइन एंड सोशल मीडिया, ठीक हो गया। उसके बाद जी सर्विस टाइप सोशल पोस्ट एंड बैनर्स, हमने सोशल पोस्ट पे क्लिक करना है और बैनर पे क्लिक करना है। अब इसमें यह आ जाता है जी कि आप कौन सी प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, यानी कि ये हम इस इन सारी चीज़ों का आपको जो है ना पोस्ट बना के दे सकते हैं। अब इसमें टैग्स हमने वो लगाने हैं जो टॉप पे चल रहे हैं, टॉप पे क्या चल रहे हैं, जो उसने लगाए हुए हैं, जिसके अभी 31 ऑर्डर्स में ऑर्डर्स पेंडिंग है, जाहिर सी बात उसके टैग जो हैं वो टॉप पे हैं, तो इसीलिए वो उसको जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब इसने टैग्स लगाए हुए हैं जी सोशल मीडिया पोस्ट, वो लिखेंगे हम यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट, उसके बाद सेकंड उसने जो लिखी हुई है वो है जी पोस्ट डिजाइन, उसके बाद जी उसने लिखा जी सोशल मीडिया डिजाइन वही सेम, और रेस्टोरेंट्स पोस्ट, तो हम इसमें लिख लेते हैं जी बैनर एड्स, हम खुद लिख लेते हैं जी। उसके बाद जी इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक, अब ये 5 हमने लगा लिए हैं, उसके बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक करना है,
अच्छा जी, लैंग्वेज लैंग्वेज हमने सेलेक्ट नहीं। अच्छा, इसमें ये आ जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर तो आपको अरबिक आती है, या अल्बानियन आती है, या बंगाली आती है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप, मुझे ग्रीक आती है, ग्रीक सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद इंग्लिश आती है, वो सेलेक्ट करूँगा। दो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने जी कंटिन्यू किया। अब प्राइसिंग आ जाती है। अब पैकेज नेम हम जो है, जरूरी नहीं है कि आप अपना बेसिक ही लिखें या सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने लिखा जी क्वालिटी पैकेज वन, यही हम उसको पेस्ट करेंगे। हम ऑफर नहीं कर रहे, हम सिंपल एक ही जो है ना लगाएंगे जी, हम सिंपल एक ही करेंगे, मल्टीपल नहीं हम रखते। वेल्डी पैकेज हो गया जी। अच्छा जी, इसमें यह है कि जी सोशल मीडिया पोस्ट रिवीजन। हम इसमें 2 नहीं लिखते, हम इसमें 5 लिखते हैं, सेम प्राइस में। डिलीवरी टाइम 1 डे, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट 5, फीड टेम्पलेट हो गया जी। अच्छा, रिवीजन जी, ये आपके, आप अगर आप पोस्ट उसको भेजते हैं, उसे पसंद नहीं आती या वो चेंज करवाना चाहता है, तो आप वो कर देंगे। तो हमने लिखा जी हम अनलिमिटेड है जी, हम कर देंगे। उसके बाद प्राइस जो है इस पर भी टिक कर देना। प्राइस वहाँ पे उसने लिखी हुई है जी, किधर गया, किधर, इसको डाल करते हैं। प्राइस उसने लिखी है 2,780 रुपये बनते हैं तकरीबन $25, $22। हम इस पे लिखेंगे ओनली 20, 20 नहीं 15 कर लेते हैं, $15 भी काफ़ी है। अच्छा जी, हमने कंटिन्यू क्लिक करना है। उसके बाद आ जाते डिस्क्रिप्शन आपने की जो है वो दें, इसी की हम कॉपी कर लेंगे। उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो वो हम जो है ना कर सकते हैं। इस गिग की जो है डिस्क्रिप्शन, वो ये हम कॉपी करेंगे। इसको हम पेस्ट करेंगे। अच्छा जी, इसमें ये है जी कि इसमें कुछ चेंजिंग करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, बाकी ठीक है। उसके बाद जी कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है जी, रिक्वायर्ड ऑप्शन। यहाँ पे वो कह रहा है जी शोकेस योर सर्विसेज इन गैलरी, यहाँ के अपने जो है ना, जो आपने वर्क किया हुआ है यहाँ पे वो लगाएं आप। अब ये मैंने लगा ली, अब सेकंड भी यहाँ पे मैं वही सेम लगा लूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई एडिट पड़ी नहीं हुई। अगर आपने स्टार्ट करना है कोई काम, तो पहले आप एक दो पिक जो है वो एडिट करके, साथ अपनी पिक्चर लगा के, साथ कुछ लिख के, तो वो लगाएं। तो इस तरह ज़रा कस्टमर भी जो है ना, वो अब वो कह रहा है जी ये डिक्लेयर, ये मैंने खुद एडिट की है, तो फिर मैं अपनी लिखूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाते जी पब्लिश गिग। ये है जी हमारी गिग जो है वो ओपन हो चुकी है। अगर आप, उसके बाद ये आ जाता है जी कि आप पहला ऑर्डर या ऑर्डर कैसे लें अपने गिग, तो गिग्स पे जाएंगे हम। अच्छा जी, डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम एड्स, इसको हम क्लिक करेंगे। अच्छा, ये मेरी पोस्ट लगी हुई है जी, गिग लगी हुई है कि जी मैं इतने में आपको। अच्छा, अब इसका ये है कि जी हम प्रमोशन, इसकी प्रमोट्स को कैसे करें, कि प्रमोशन कैसे करें कि हमें फौरी ऑर्डर मिल जाए। उसमें यह है कि शेयर योर गिग पे हम जाएंगे, हमने कॉपी लिंक कर लेनी है, और इसको काफ़ी ज़्यादा ग्रुपों में भी शेयर करनी है। जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं जी, फ्रीलांसिंग के हो गए, उसके बाद ऑनलाइन वर्क के हो गए, उसके बाद कोई भी ग्रुप्स हैं जो आपने ज्वाइन किए, उसमें शेयर कर दें। उसके बाद आप
ऐड भी चला सकते हैं। अगर आपके पास 2,780 रुपये का एक पैकेज है तो आप इसमें 1,000 रुपया कट करके उसका ऐड चला दें तो आपको कहीं ऑर्डर आ सकते हैं, फेसबुक पे ऐड लगा सकते हैं आप। और दूसरा ये कि आप अपने व्हाट्सएप पे ग्रुपों में भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मैंने ये पैकेज लगाया हुआ 2,780 रुपये का, तो उसमें मैं क्या करूँगा, 1,000 का मैं इसको कट कर लूँगा माइनस, और उस 1,000 का मैं फेसबुक पे ऐड चलाऊंगा जिसमें ये मेरी पोस्ट नज़र आएगी। जी मैं आपको एड्स बना के दे सकता हूँ, चाहे वो फेसबुक ऐड है, इंस्टाग्राम ऐड है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आते हैं, क्योंकि वो जब लिंक ओपन करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो यहाँ से मुझे परचेस कर लेंगे। तो ऐसे आप अपने गिग चला सकते हैं और ऐसे आप अपने गिग लगा सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो की, इसमें ये आप सिंपली ये बताना था कि आप कैसे दे अपना फाइवर गिग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये था कि आज आप समझाना, ये वीडियो में ये समझाना था कि आप फाइवर अकाउंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप पहले गिग कैसे लगा सकते हैं, कौन सी गिग हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, अब इसमें ये आ जाता है इंस्टाग्राम पोस्ट, इसमें आ जाता है वीडियो एड्स, इसमें आ जाता है बैकग्राउंड रिमूवर। अगर सिंपल यही आप 3-4 गिग्स लगा के रखें, एक दो को प्रमोट करें, तो आप माशाल्लाह से मंथली काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप ये ध्यान से। अब ये देखने सिंपल 31 ऑर्डर उसके अभी पेंडिंग है, उसने अभी नहीं उस पर काम किया, तो इसके 570 डॉलर, इसने 570 ऑर्डर इसने कर भी दिए हैं, मतलब क्या काम काफ़ी है। ये नहीं कि जी इसमें काम नहीं है, ये वो फलां। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी, अगर ना समझ आई हो किसी बात की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे अपना मैं जो है ईमेल कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा तो बेस्ट यही रहेगा कि आप कमेंट कर दें यहाँ पे नीचे, तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।